पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंकट हॉल के सभागार में वैश्य समाज उत्तर प्रदेश ने वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय केसरी और मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल मौजूद रहीं। वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के सम्मेलन की नई कार्यकारिणी गठित हुई। नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश स्तर के अलावा जिला स्तर से भी सभी वैश्य समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच से सभी अतिथियों और वक्ताओं ने समाज में एकजुटता को बढ़ाने पर जोर दिया। अब उत्तर भारत भूषण अग्रवाल जी, सौरभ अग्रवाल जी, गौरव अग्रवाल जी, आज हमने अपनी कार्यकारिणी जो वैश्य समाज के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जिलाध्यक्ष हैं, माननीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भैया ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी कार्यकारिणी का आज गठन किया। आज हमने 45 लोगों की कार्यकारिणी बनाई है जिसमें हमारे संरक्षक हैं, मुरादाबाद के उद्योगपति व्यवसायी गरीबों के मसीहा जो समाज सेवा करते रहते हैं, नीरज गुप्ता जी जो गुप्ता इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो हमारी इसके संरक्षक हैं, और हमने मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष हैं हमारे युवा हैं राजेश रस्तोगी जी, और हमने ठाकुरद्वारा से अपने एक व्यवसायी हैं सर्राफ व्यवसायी समाज सेवा में तत्पर रहते हैं अतिन अग्रवाल जी महानगर अध्यक्ष हैं, और बिलारी से हमारे व्यवसायी हैं सर्राफ व्यवसायी विकास गुप्ता जी हैं, और हमने 10 उपाध्यक्ष बनाए हैं, एक महामंत्री बनाए हैं, 10 जिला मंत्री बनाए हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, टोटल हमारी 45 लोगों की कार्यकारिणी है। हम ये चाहते हैं हमारे मुरादाबाद का जो वैश्य समाज है एक मुट्ठी में रहे, जैसे हमारा लोगो है वैश्य समाज का, ऐसी संगठित रहे और एक साथ रहे, हर सुख दुख में चाहे रईस हो या गरीब हो एक आवाज पे आना चाहिए। किसी भी मेरे वैश्य समाज के साथी को कोई परेशानी आपत्ति सुख या दुख पड़ता है तो मैं उनके लिए दिन हो या रात हो तत्पर रहूंगा, चाहे अपने महापौर विनोद अग्रवाल जी से निवेदन करके कार्य कराऊं, चाहे अपने जो महापौर हमारे माननीय विधायक रितेश गुप्ता भी बहुत दिलचस्पी अपने समाज से प्यार करते हैं, चाहे मैं उनसे कराऊं, और हमारे जो उत्तर प्रदेश की शान जो हमारे वैश्य समाज के संरक्षक हैं माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी भैया, वो तो कभी उनका दरवाजा तो बंद ही नहीं होता, वो तो हर समय खुला रहता है, लाइन पे लेके काम करा लो। कोई भी मेरे हित में मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है एक साथ रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, जो हमारा 1.25 लाख वोट है 1.25 लाख है वो एक साथ होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे महापौर का चुनाव हो, एक साथ रहेंगे तो अपना वजन रहेगा मजबूत रहेगा, नहीं तो संगठन ऐसे बिखर जाएगा, चाहे मित्तल हो जिंदल हो अग्रवाल हो गर्ग हो गुप्ता हो रस्तोगी हो, सबको एक प्लेटफार्म पर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एक साथ संकट रहना चाहिए अपने परिवार की तरह, तभी हमारी ताकत होगी तभी हमारी यूनिटी होगी, नहीं तो बिखरते रह जाएगी। जैसे दान देने में वैश्य समाज सबसे अग्री होता है ऐसी काम करने में भी हो और एकजुट हो, और मैं यही आग्रह करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत जय।